हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक कोर्टयार्ड इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर ब्रॉड, इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रिक्स है, उनका लेंथ और विड्थ दिया हुआ, और जो एरिया है टोटल यार्ड का एरिया है उसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ। तो यहाँ पे कितना ब्रिक्स लगेगा वो हमें पता करना, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एक ब्रिक्स का एरिया निकालेंगे, और टोटल ये जो यार्ड है इसका एरिया निकालेंगे, और टोटल यार्ड के एरिया से टोटल एक ब्रिक का एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो यार्ड है वो मीटर्स में दिया हुआ है, और जो ब्रिक्स है उसकी लेंथ विड्थ दी हुई है सेंटीमीटर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यार्ड को भी सेंटीमीटर्स में ले आएंगे। तो वही मैंने यहाँ पर किया, तो यार्ड्स को सेंटीमीटर में कैसे करोगे, मीटर है 25 मीटर, तो सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2500, और वो हो जाएगा 1600 मीटर जो उसकी चौड़ाई है। तो 2500 इंटू 1600 ये आ जाता है कितना, ये हो जाए 40 लाख हो जाता है, 40 लाख सेंटीमीटर। ये टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया इन सेंटीमीटर, सेम लिखा मैंने यहाँ पर, सेंटीमीटर लिखा है। एंड उसके बाद टोटल एरिया कहाँ है, एक ब्रिक्स का निकाल लेते हैं। टोटल एरिया कवर्ड बाय वन ब्रिक्स इन सेंटीमीटर कितना होगा, ये तो यहाँ पे जो टोटल एरिया एक ब्रिक्स के द्वारा कवर किया जा रहा है वो माना जाता है 200 सेंटीमीटर। तो 40 लाख जो टोटल एरिया आ गया उसमें से 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो एक ब्रिक के द्वारा कवर किया जा रहा है। तो टोटल कितना ब्रिक लगेगा, टोटल 40 लाख को हम 200 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे आ जाता है 20,000। तो टोटल 20,000 जो ब्रिक्स लगेगा इस एरिया को पूरे को कवर करने के लिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सिंपल था। एक चीज़ और दोस्त, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चाहते